हाय फ्रेंड्स, मैं दीपा। आज मैं आपको विंटर के बाद जो विंटर का प्लान वो कैसे समर के लिए प्रिपेयर करना है वो दिखाती हूँ। विंटर का प्लान एक्चुअली समर में अच्छे से खूब फ्लावरिंग होने वाला एक प्लान में से एक है। तो विंटर का ये विंटर में आप ये देख सकते हैं मेरा प्लान। ये पूरा देखो ऐसे पूरा ऐसे स्टेम्स ऐसे लेंथी हो के बिल्कुल अच्छा फॉर्म में नहीं है, और इसके लीव्स वगैरह देखने से आपको पता चलेगा बहुत इसका बिल्कुल हेल्थी ग्रोथ नहीं है, क्योंकि ये ऐसा वाला प्लांट्स विंटर में थोड़ा सा ऐसे डोर्मेंसी में चला जाता है, तो इसका ग्रोथ बिल्कुल नहीं होता विंटर में। तो ये समर में बहुत अच्छे से ब्लूम होता है। ये सब ऐसे हाइब्रिड वाला वेराइटी है। तो मेरा एक 1 मिनट वीडियो में अगर आपने देखा है तो जो फ्लावर्स इन माई गार्डन करके मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें जो भी फ्लावर्स दिख रहे हैं वो सारे मेरा समर का फ्लावर्स था गार्डन का। तो उसमें विंका और बोगनविलिया वगैरह बहुत अच्छे से ब्लूम होके मतलब था उस टाइम। तो ये जो प्लांट है वो थोड़ा सा खाद वगैरह डाल के अच्छे से प्रून करके रखने से जैसे समर शुरू हो जाएगा तब तक इसमें पूरा फुल ब्लूम हो जाएगा। तो वो कैसे करना है मैं आपको दिखाती हूँ। पोर्शन से ये निकाल के आप ये थोड़ा सा इतना छोटा चलेगा ऐसे लेके आपको नीचे का ये लीव्स वगैरह हटा के ये प्रोपगेट करने के लिए भी ये टाइम बेस्ट है। तो इतना छोटा छोटा पीसेस लेके आप वही पॉट में नीचे ऐसे लगा के देने से भी आपको समर के लिए ब्लूम होने लायक बहुत अच्छे से छोटे छोटे कटिंग्स मिलेगा। तो ये भी ये टाइम में आप कर सकते हैं। और ऐसे वाला प्लांट्स भी ना आप इतना शॉर्ट देखिए इतना छोटा छोटा करके भी आप इस टाइम में काट सकते हैं देखिए। और ये सब करने के बाद आप अच्छे से इसमें खाद वगैरह देके पानी भी देके एक साइड में रखने से ये समर में बहुत अच्छे से ब्लूम हो जाएगा। में ये प्लांट थोड़ा डोर्मेंसी में चला जाता है, इसलिए इसका नया नया ग्रोथ इतना नहीं आता। अभी जो भी नया ग्रोथ सारे उसका साइज आप देख सकते हैं बहुत छोटा सा है लीव्स वगैरह। तो इतना करने के बाद आप थोड़ा सा ऐसे मिट्टी वगैरह ऐसे खुदाई करके इसमें खाद वगैरह डाल के देने से ये प्लांट आपको समर में बहुत अच्छे से फ्लावर देगा। तो जिसके पास भी विंका प्लांट है वो ये टाइम आप यूज कर सकता है ये काम के लिए। आप अभी ये रोड साइड पे देखा होगा बहुत सारे माली लोग इस टाइम में काम पे लगे रहता है। सारे रोड साइड में जितना भी प्लांट है सारे खुदाई वगैरह करके उसमें खाद वगैरह डालने का टाइम है। वो एक्चुअली अभी ये मार्च तक जो फ्लावरिंग होने वाला जो प्लांट है उसके लिए भी और जो समर का प्लांट्स के लिए भी ये फेब में और सितंबर में ये नॉर्थ साइड में ये दोनों टाइम में बहुत अच्छे से खाद वगैरह देके प्लांट्स को प्रिपेयर करता है। तो ऐसे कोई वैसे डरने का बात नहीं है, ऐसे आपको ये काट के रख सकते हैं। और ये खुदाई करके ना आप ऐसे ये मेरे पास काउडन कम्पोस्ट है ये वाला, तो ऐसे कम्पोस्ट आप थोड़ा डाल के ऐसे प्लांट्स के लिए 2-3 मुट्ठी भर के आपको खाद दे सकते हैं। ये डालने के बाद भी ये मिट्टी थोड़ा सा आपको अच्छे से मिक्स करके देना है, उसके बाद थोड़ा सा पानी देके ये कोई साइड में आप अभी तो पूरा छत पे धूप आ गया तो ये ऐसे कई साइड में ऐसे रख सकते हैं, और ये प्लांट आपको समर में फ्लावरिंग होने लायक बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा। तो यही सब है विंका प्लांट का प्रिपरेशन के बारे में जो बताना है। तो जिसके पास भी ऐसे विंका प्लांट है वो इस टाइम आपको प्रून वगैरह करके रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।